monk out of it. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? इफ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताएं। क्या मेरी आवाज़? गुड आफ्टरनून सृष्टि गुप्ता, तनवर, साक्षी, रूबी सिंह, वेरी गुड, आदित्य कुमार, पुनीत पानीपत, EPFO एग्जाम सक्सेस कोर्स, राइट। मैं इसमें आप सभी का स्वागत है, यू ऑल आर वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। ये सेशन अपने आप में बहुत ही डिमांडिंग सेशन है, राइट, है ना। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, क्या मैंने बात की, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट, तब तक ये सेशन होगा। और ये सेशन केवल आप ऐसा ना समझे कि मैथ्स रीजनिंग का ही होगा, ये मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, GK, GS जो आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इवन जो जनरल अकाउंटिंग्स के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। तो अल्टीमेट ये कोर्सेस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी बच्चा इस सेशंस को देखेगा डेफिनेटली दे विल बेनिफिट से मोर बेनिफिट, राइट, है ना। चाहे स्पेशल सिक्योरिटी इन इंडिया हो, राइट, जनरल साइंस नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हो, सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होंगे। बस आज का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शंस के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरिया भी कराऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर मुझे ये क्लास लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, कोई बता सकता है कि इस क्लास लेने की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आपको पता होगा EPFO का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल UPSC के पैटर्न पे ही होने वाला है, तो अल्टीमेट इस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड तो और भी बेहतर होगा, ओके, जो आप देख रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या पैटर्न किस तरीके का होगा। एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चों की मेरी आवाज़ आ रही है, पायल गुप्ता, प्रिया शर्मा, रजत सिंह, रानी कुमारी, रठियावत मलेसा, राइट, है ना, जितने बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स। सभी लोग सेशंस को लाइक करो और शेयर करो। आदित्य कुमार, पुनीत प्रजापत, सृष्टि गुप्ता, तनवर साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड, 2 जुलाई को एग्जाम है, यस 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 यस, जितने सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें। इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी क्योंकि यहाँ पर जनरल इंग्लिश भी पूछा जाएगा, बेसिकली हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो मैं सभी चीज़ों को लेकर के आपके पास रेगुलर मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, जो एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कह सकते हो या जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेज है, मैं आपके पास वो सभी चीज़ें लेके आऊँगा। मेरे प्यारे बच्चे, इतने सारे बच्चे अकेडमी से सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट, है ना, बाकी अभी भी आज इसका 23 जून इस ऑफ़र का लास्ट डेट है, ऐसा कभी नहीं आपको मिलेगा। जून एक्सटेंशन ऑफर है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 मंथ आपको फ्री मिलेगा, 18 मंथ्स में 6 मंथ, 2 या 3 साल का लोगे तो 2 साल तक का फ्री होगा, राइट। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले तो इंटरव्यू तक पहुँचते आपका फ्री रिफंड हो जाता है। मेन्स आराम बैचेज, अलक्ष बैचेज, 2 बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप दोनों बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते, जिसका भी सपना हो IAS वगैरह बनने का, राइट, है ना, तो वो आप मंथली पे भी नो कॉस्ट EMI पे आप ले करके ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शनल चीज़ें ये सारी के सारी चीज़ें ये इस तरीके से। चलिए, सभी लोग रेडी हैं मेरे प्यारे बच्चे? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो कल से मैं इस सेशन को 1 PM करूँगा। कितने बजे? कल से ये जो सेशन है हमारा, जो ये जो कल से सेशन है वो हमारा 1 बजे होगा, 12 बजे ना हो करके, 12 PM ना हो करके वो 1 बजे होगा, राइट, है ना, 1 PM ये क्लासेस कल से हमारा रेगुलर होगा, राइट। दिस सेशन विल बी रेगुलर फ्रॉम 1 PM, राइट, फ्रॉम टुमारो, राइट। चलिए, आराम से बैठना, सब लोग बैठना। देखो,
मैं एक चीज तो आपको गारंटी दिला सकता हूं, चाहे कुछ भी हो, देखो चाहे कुछ भी हो, एक एक चीज आप ध्यान से रखना, राइट। सभी लोग ध्यान, सबको मेरी आवाज आ रही है, जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है एक बार पी टाइप करो, सभी लोग पी टाइप करें। और इतना ही नहीं, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, देखिए मैं कुछ भी हूं, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने सेशंस को देख लिया तो मैं इजीली मैं बता दूँ 50% आप स्कोर बहुत इजी से कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट, है ना। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको क्लास में कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ताकि आप आसानी तरीके से इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, इतने सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं लेकिन अभी तक सेशंस को नहीं लाइक किया, राइट। जब तक आप सेशन को लाइक नहीं करेंगे तब तक मैं आपको लव नहीं करूंगा। अगर आप लाइक करते हैं इसका मतलब आप मुझे लव करते हैं, जब आप मुझे लव करते हैं तो हमेशा सेशंस को लाइव ही अटेंड कीजिए, ओके। देखो इस एग्जाम्स में सबसे पहली बात मैं आपको सोर्सेस भी बताता चलूंगा, राइट, है ना। देखो मैं भी इन सब चीज़ें, देखो आपको पता है यहाँ पर जो आपका जो एग्जाम्स हुआ, कितने बच्चों को पता है, राइट, कितने बच्चों को जो प्रीलिम्स है, राइट, जो आपका प्रीलिमिनरी जो रिटर्न एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स का? वेरी गुड, वेस्ट बंगाल जम्मू सभी लोग दे रहे हो क्या? क्या आप सभी लोग इस एग्जाम को अपियर हो रहे हैं क्या? रथवाला, एकता, वैवाड़िया, अवनीराज, आप सभी लोग दे रहे हैं क्या इस एग्जाम को लेकर के? वैवाड़िया सी सैट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी सैट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ये सी सेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, राइट। सी सेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यस 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 यस, ओके। देखो आराम से, देखो आराम से, देखो 120 क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस, वेरी गुड वेरी गुड, 300 मार्क्स का, यस यस यस। देखो आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा, राइट, 300 मार्क्स का होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, 300 मार्क्स जो होंगे वो किस किस एरिया से क्वेश्चन आएंगे, मैं उसका थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी, चाहे UPSC हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, राइट, है ना, प्रीलिम्स को पास करने के लिए, राइट, मिनिमम आपको मेरे अकॉर्डिंग 60% मार्क्स चाहिए। कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? मिनिमम आपको 60% चाहिए, ध्यान से समझो। तो 300 का कितने लोग बताओगे? 300 का अगर आप 60% फाइंड करोगे तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितना होगा, 300 का 60% बताएं कितना आएगा, 300 का 60% बताओ। सृष्टि गुप्ता, रूबी, शशि भारद्वाज, आसिफ अहमद, इटू, ममता चौधरी, अभिषेक कुमार, वैभव आर्या, विराज सिंह सिसोदिया, विराज सिंह सिसोदिया, सभी लोग बताओ। देखो 300 का 60% मार्क्स चाहिए, तो ये आपके 180 मार्क्स चाहिए, राइट, है ना, ये आपके सामने 180। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा मेरे अकॉर्डिंग, राइट, मेरे अकॉर्डिंग, राइट, है ना, इस एग्ज़ाम को देखना, कट ऑफ देखना, मेरे अकॉर्डिंग जनरल से हो तो 170 से लेकर के 190 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, राइट, अगर आपका स्कोर आ रहा है तो समझो कि इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हो, रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा, फिर यू विल गो फॉर इंटरव्यू, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ओके। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ सबसे अच्छे तरीके से फोकस करना है। सबसे पहले चीज़ देखो, सिलेबस जो है इसमें जो है आपका इंग्लिश आएगा, क्या आएगा, आपका जनरल इंग्लिश आएगा, आपका जनरल इंग्लिश आएगा। कितने लोग द हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कितने लोग द हिंदू न्यूज़ जनरल इंग्लिश, वो भी कैसा आएगा? वो भी बिल्कुल आपका बेसिक्स आएगा, बिल्कुल आपका बेसिक्स आएगा। अगर आपके पास अभी भी टाइम है, राइट, है ना, तो जो बच्चा एग्जाम्पल के तौर पर जो भी बच्चा द हिंदू डेली पढ़ रहा है, राइट, है ना, द हिंदू को थोड़ा फॉलो कर रहा है, या कोई भी या इंडियन एक्सप्रेस, या इंडियन एक्सप्रेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद आप इजीली कर लोगे, राइट। वोकैब वगैरह के लिए आप एक ब्लैक बुक आती है, राइट, है ना, एक ब्लैक बुक आती है वोकैबलरी के लिए, यानी तो अरिहंत पब्लिकेशन की SP बख्शी, राइट, है ना, SP बख्शी साहब की बुक आती है, राइट, इसको आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, राइट,
आपका हो जाएगा राइट। अब ये यहाँ पे मत पूछना सभी लोग, सबको मेरी आवाज़ आ रही है, सभी स्टेशन को लाइक और शेयर करें। मैं करास अभी करके दिखाऊंगा राइट, जो भी टॉपिक होगा ना, मैं भी कम से कम 2-3 टॉपिक तो मैं यहाँ पे पढ़ा के जाऊँ, इसलिए सभी स्टेशन को करें। लास्ट टाइम देखो 187 कट ऑफ फॉर जनरल, तो मैंने वही तो बताया आपको 170-190 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए ओके राइट। किसी भी एग्जाम का कट ऑफ जो है ना, ये कॉमन सेंस रखो, अगर आपका स्कोर मिनिमम 60% आ रहा है तो समझ लो कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर अच्छे तरीके से आप कर ही सकते हो राइट ओके। इस पॉइंट से ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये नहीं यहाँ पे कंफर्म है कि इतने क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश से आएंगे, बेसिकली ओवरऑल सभी को मिला करके आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे राइट। हिस्ट्री से कौन से सेक्शंस आएंगे, एक्चुअली फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो एरिया है, फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो एरिया है राइट, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। आप कह सकते हो कि मॉडर्न इंडिया से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे राइट, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस आएंगे राइट। इसका जो सोर्सेस है, इसका भी जो मैं आपको सोर्सेस जो बता रहा हूँ राइट, या तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा बेहतर तरीके से तो वो हो जाएगा, या नहीं तो स्पेक्ट्रम राइट, स्पेक्ट्रम आपका वो कवर कर देगा राइट। फिर आपका करंट अफेयर्स राइट, फिर आपका करंट अफेयर्स, देखो मेरे प्यारे बच्चे करंट अफेयर्स आपको पता है यूपीएससी ले रही है, तो लास्ट वन ईयर फॉलो कर सकते हो, लास्ट वन ईयर का फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स में क्या क्या फॉलो कर रहे हो, मैं एक सोर्स बताऊंगा आपको करंट अफेयर्स के लिए, क्या मैं आपके पास सोर्स बताऊं, बहुत कम टाइम में आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, क्या मैं सोर्स बताऊं, अगर आप बताओ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इफ़ यू वॉन्ट टू सोर्सेस फॉर दिस डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू राइट, करंट अफेयर्स के लिए सोर्स बताऊँ राइट। सर ओनली 10 days लेफ्ट है, लेबर लॉ, साइंस, टेक, इकोनॉमी, जनरल इंग्लिश, सी सैट, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर। यस ममता चौधरी, आपके तो दिमाग पे रटा हुआ है सेशंस को, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए राइट है ना। देखो करंट अफेयर्स के लिए अगर आपकी ईयरली एक कंपाइल आता है विजन आईएएस का राइट, ईयरली एक कंपाइल आता है विजन आईएएस का राइट है ना, इसको आप फॉलो कर सकते हो, एक ईयरली करके कंपाइल आता है राइट है ना, इसको आप लो ठीक है ना, एक इधर से लेके उधर तक एक बार में रीड कर लो, वो आपका हो जाएगा राइट, वो आपका हो जाएगा राइट। ये ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है राइट, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना बेहतर तरीके से, वो आपका अच्छे तरीके से कवर बहुत अच्छी हो जाए राइट। फिर इसमें ध्यान रखना, फिर आपका इसमें एक प्रकार का पॉलिटी ध्यान, इन सभी को मिला करके मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, इन सभी को मैं इन सभी के देखो कुछ क्वेश्चंस जो आज तो मैं आपको एक मैथ्स रीजनिंग का मैं ओवरव्यू दे करके सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता करके, जैसे जनरल इंग्लिश का भी मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया टाइप का एरियाज है वहां से भी मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा कि इनको पढ़ के आना राइट, बहुत अच्छा मजा आएगा ध्यान रखना राइट। पॉलिटी हो गया, फिर आपका इकोनॉमी हो गया राइट, पॉलिटी कौन, अच्छा पॉलिटी और इकोनॉमी जो आप पढ़ोगे इंडियन के संदर्भ में, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे राइट है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में ये जो सिलेबस है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा राइट है ना। फिर आपका जनरल साइंस राइट, जनरल साइंस हो गया, और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन राइट, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स के तौर पे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने, इसको मैं इधर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, आराम से देखो, इन सब आप टेंशन नहीं लो, इन सभी को मिला करके क्वेश्चंस मैं खुद ही आपके पास लेकर के आऊँगा राइट, आप खुद ही इसकी प्रैक्टिस करोगे और आंसर दोगे क्लास में राइट, आपको बहुत मज़ा आएगा राइट ओके। सो प्लीज डोंट लूज राइट, और जो भी नहीं होगा मैं उसको डिटेल में आपको यहाँ पे कराता रहूँगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है राइट। इज इट क्लियर सबका, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ। सर लेकिन करंट अफेयर्स तो फैक्चुअल बेस्ड आएगा, सर मंथली मैगजीन रेफर कर सकते हैं क्या? देखो महक परवज, मंथली पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा राइट, या तो करंट अफेयर्स का एरिया छोड़ के ही चले जाओ मेरे अनुसार राइट, अगर आपको इतना भी नहीं पढ़ना आ रहा है राइट है ना, तो स्पीड बढ़ाओ ना। आप मुझे बताओ अब कितने दिन रह रहे हैं, अब आपके लास्ट आपके पास 10 days रह रहे हैं, 10 days रह रहे हैं, अभी से आप 10 घंटे 12 घंटे अगर आप 14 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एटलीस्ट आपको हाई फोकस, देखो आपका हाई फोकस स्टडी जो है ना, ये आपका 100 hours का होना चाहिए, ये आपका 100 घंटे का होना चाहिए। आप 100 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो
हाई फोकस्ड एरिया होकर के, तो आराम से समझना कि इस एग्जाम को बहुत इजी तरीके से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इस ध्यान, इसलिए मैं जो यहाँ पे जो मैं 10 दिन पहले से जो मैं आपके लिए मैं जो ईपीएफओ लेके आ रहा हूँ, सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करें राइट। मैं जो ईपीएफओ का जो मैं लेकर के आ रहा हूँ राइट है, सीएससी से अलग है सिलेबस करंट अफेयर्स राइट, मैं बताता हूँ आपको राइट। देखो मैं अभी आपको इसमें और भी सिलेबस बताना, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस आपका ये हो गया राइट है ना, फिर आपका हो गया सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया राइट है ना, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया राइट, कुछ टॉपिक्स हो गया आपका सी सेट का एक टॉपिक का मतलब हो गया जैसे आपका मैथ्स हो गया राइट, फिर आपका कुछ रीजनिंग, देखो ये मैथ्स और रीजनिंग जो ये आएंगे ना ये बिल्कुल बेसिक्स लेवल के आएंगे, ये कैसे लेवल के आएंगे, ये बिल्कुल बेसिक्स लेवल के आएंगे राइट, उस तरीके का कोई टफ नहीं आएगा, जिस तरीके का टफ आप समझ रहे हो ये बिल्कुल ही बेसिक्स लेवल के आएंगे जो आप समझ रहे हो राइट, बिल्कुल ही बेसिक्स तरीके से आएंगे, आप इसको ध्यान से समझते रहिएगा राइट है ना। फिर आपका इसमें जो आएगा जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल राइट है ना, फिर आप एक जो इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा, जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा आपको देना है राइट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा कुछ ये हो सकता है, एक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ राइट है, एक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इसको नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे सर टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट कितने होंगे ये बता रहा हूँ राइट, अब आप मुझे बताओ इसमें से आपका कौन कौन सा एरिया जो है आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने इसका दिया नाम राइट, मैं इसका सबका नेम दे रहा हूँ राइट, ये आपका मैंने इसका नेम ए दिया राइट है ना, मैंने इसका नेम ए दिया राइट है ना, ए दिया राइट, फिर इसका नेम मैंने बी दिया राइट है ना, फिर मैं इसका सी दिया राइट है ना, फिर मैं इसका आपको डी दे रहा हूँ राइट, फिर मैं आपको इसका जो है ना मैं आपको ई दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एफ दे रहा हूँ, फिर मैं आपको जी दे रहा हूँ, और ये मैं आपको एच दे रहा हूँ। अब आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपका ये कौन कौन सा एरिया ज़्यादा स्ट्रांग है, एक बार मुझे बताओ सभी लोग राइट। देखो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो राइट है ना, तो हिस्ट्री तो आप कर ही लोगे, जनरल इंग्लिश थोड़ा सा रुक जाओ, करंट अफेयर्स भी कर लोगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कर लोगे, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही राइट है ना, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये भी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर एक आपको ये पढ़ना है, जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल एक और एक ये दो, और ये जनरल इंग्लिश और ये पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग भी आपको आता है, तीन चार चीज़ें पढ़ना है अच्छे तरीके से राइट। पॉलिटी में गवर्नेंस प्रियाम्बल डीपीएसपी आर्ट एंड कल्चर कंप्यूटर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सर टोटल प्रेम विजडम तनवर साक्षी राइट ओके चलो ठीक है। बच्चे अभी तक बच्चे लोग कहाँ गए, देर आर स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, आई होप स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस ओके ओके। कल से ये क्लास 1 बजे होगी, कल से ये क्लास 1 बजे आएगी होगी ठीक है। तो देखो सुनो अब देखो ध्यान से आज के इस सेशन में मैं यहाँ पे आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए ठीक है। फ्रॉम द टुमारो कल ऑल सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे ठीक है। तो चलिए सभी लोग रेडी रहिए आराम से, आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं। आराम से आज आपका दो टॉपिक फिनिश राइट।
आज आपका दो टॉपिक फिनिश, राइट। चलिए आज आपका दो टॉपिक फिनिश, राइट। देखो विजिबल हो रहा है, सबको विजिबल हो रहा है, राइट, है ना, सबको विजिबल हो रहा है। इज इट विजिबल? सबको विजिबल हो रहा है अच्छे तरीके से, सबको विजिबल हो रहा है। तन्वर साक्षी कह रही है सर सीएससी में झटका लगा है, यहाँ भी मैथ्स धोखा देगा क्या? बिल्कुल ही दे सकता है, राइट। अरे इतना टफ लेवल का नहीं इसमें पूछेगा मैथ्स, जितना आप सोच रहे हो ना, वो वहाँ पे आपका सीसैट का एक अलग से एक पेपर है, इसलिए उसके पास मजबूरी है कि कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको दे और आपसे पूछे, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं, राइट, है ना। यहाँ पे जो मैं आपको जितना करा रहा हूँ, अगर आप उसको इतना प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आप कर सकते हो। देखो थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, राइट, है ना। तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर है, राइट। इसका जो रेशियो है एक 1:2:3 है, इनमें सभी में आप ऐड 5:5 कर रहा है, तो न्यू नंबर्स जो है ना इसका रेशियो जो है ना 2:3:4। मैं आपको सॉल्व करने का अप्रोच बता रहा हूँ क्लास में, ठीक, नहीं बताऊँ आप ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करो, कॉपी पे लिखो, नोटबुक पे लिखो एक एक ऑप्शन, पहले इसमें ऑप्शंस को चेक करो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, अगर कोई ऑप्शंस 1:3 के रेशियो में है तो उन सभी में 5 करो, ऐड करो सभी, ईच ऑफ देम 5 ऐड करो, तब न्यू नंबर्स का रेशियो 2:3:4 आ रहा है। आराम से प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज कम ऑन, आराम से सोचो, वाई वाई वाड़िया सभी लोग सोचो, आराम से सोचो, आराम से ऑप्शन से सॉल्व करो, ऑप्शन से। ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो, ऑप्शन से, आराम से आप सभी लोग ऑप्शन से करिए सर, प्लीज। क्लियर? कम ऑन, देखिए आप ध्यान से समझिए, देखो मैंने क्या बोला, आपको कुछ भी नहीं आता, सोच लो कुछ भी नहीं आता, तो पहले क्वेश्चंस को समझो। थ्री नंबर्स इन रेशियो 1:3, देखो 1:3 में ये भी रेशियो है, ये भी 1:3 में, ये भी 1:3, ये सभी 1:3 के रेशियो में, राइट, सभी में 5 ऐड करो भाई, 10 में अगर आप 5 ऐड करोगे, 10 में अगर आप 5 ऐड करोगे ये आपका 15 आएगा, ये आपका 25 आएगा, ये आपका 40 आएगा, भाई साहब इसको कैंसिल करोगे तो क्या 2:3:4 रेशियो आएगा? 2 से तो पहली बात 15 कैंसिल ही नहीं होगा, ये आप कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, अब इसमें 5 ऐड करो, 15 में 5 करोगे 20, 30 में 5 ऐड करोगे 35, भाई 35 तो 3 से कैंसिल ही नहीं होता, आप इसको भी कैंसिल कर दो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 में 5 ऐड करोगे 7, 2 में 5 ऐड करोगे 1 में 5 ऐड करोगे 6, 2 में 5 ऐड करोगे 7, 6, 7, ये भी नहीं होगा, बचा क्या आंसर डी, डी पे टिक करो, क्योंकि देखो 5+5 करोगे 10, 10+5 करोगे 15, 15+5 करोगे 20, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 2:3:4, आंसर आपका 2:3:4 आया, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं बेसिक्स आपको बताऊं रेशियो का, सुनो अगर मैं आपको रेशियो का बेसिक्स केवल बताऊं, रेशियो का अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो रेशियो का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसको उसी पार्ट में डिवाइड करना, उसी पार्ट में, जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है, इसका रेशियो 2:3 है, तो ए को 2 पार्ट मिला, बी को 3 पार्ट मिला, टोटल कितना पार्ट है, टोटल 2+3 5 पार्ट है, सो सिंपल, राइट, 5 पार्ट है।
अगर मान लो टोटल अमाउंट 2000 रुपीस है, तो भाई पांच पार्ट की वैल्यू 2000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितना होगा 400 आएगा, तो टू पार्ट का कितना होगा 400 इंटू टू 800 आएगा, 400 इंटू थ्री 1200 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते, कोई टफ नहीं है, आराम से समझो आराम से। सर हिंदी क्वेश्चंस भी करवाइए, हाँ कल से आपको हिंदी भी मिलेगा, राइट, फ्रॉम द टुमारो डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चंस कल से हिंदी भी रहेगा, ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, राइट, है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। ये वाला क्वेश्चंस देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हिंदी में समझो, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको इंग्लिश भी तो क्वालिफाई करना है, इतना तो इंग्लिश समझो यार कि द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो, यानी कि जो मंथली इनकम यानी महीने की जो आई है एक्स और वाई का, वो है 4:3, एंड देयर मंथली एक्सपेंस, उनके मंथली जो खर्चे हैं वो रेशियो है 3:2 है। सभी लोग सेव 6,000 रुपये पर मंथ सेव कर रहे हैं, तो वट इज़ देयर टोटल मंथली इनकम, इसको थोड़ा सा सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो सभी लोग आराम से। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, कल से ये सेशन 1 PM होगा, राइट, कल से ये सेशन 1 PM होगा। आराम से आराम से। क्लियर क्लियर, आराम से सोचिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखो, ध्यान पहले मैं, चलो आप इसका ऐसे टाइमर सेट करता हूँ, कम ऑन, आराम से, देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ जिस लेवल का क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना, लेकिन आप सीरियस रहो। देखो क्या कहा, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो आपकी इनकम होती है, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो वो हमारा सेविंग आता है, वो हमारा क्या आता है, सेविंग आता है, राइट, है ना। तो यहाँ जो रेशियो है, जैसे मान लो ये एक्स है, राइट, और ये मान लो वाई है, राइट, है ना, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, राइट, इसका जो इनकम है, इनकम कितना है 4 है और इसका इनकम 3 है, क्लियर है, राइट, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर रेशियो 3 है और ये 2 है, तो 4 इनकम है, 3 एक्सपेंडिचर, बचा कितना 1, 3 इनकम 2 है, बचा कितना 1, भैया 1 क्या है, 1 आपका सेविंग है। आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से, ध्यान से समझो, ध्यान से, राइट, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ बना सकती है, मैं इसको अभी आपको करा दूंगा, राइट, अगर मैं आपको, चलो सेम नहीं है, कभी कभार क्या होगा
ये दोनों इधर का डिफरेंस जो है ना वो आपका सेम नहीं होगा, राइट। मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखता हूँ, देखो मान लो कि ये इनकम जो है, ये चार है और ये तीन है, एक्सपेंडिचर जो है ये तीन है और ये दो है, तो सेविंग कितना है, चार और तीन एक, तीन और तीन रुपये कमाता है, दो रुपये खर्च करता है, गर्लफ्रेंड भी बचाया कितना, वन रुपीज़, क्लियर है। अच्छा, ईच सेव 6000 पर एनम, आप मुझे बताओ सेविंग का अमाउंट इक्वल है, अभी जो एट प्रेजेंट में जो सेविंग है रूबी सिंह, ओम यादव, बेटा महक प्रजापति, क्या वो सेम है या नहीं है, अभी का जो सेविंग है क्या वो सेम है या नहीं है, क्या वो इक्वल है या नहीं है, यस या नो, क्या वो आपका इक्वल है या नहीं, हाँ या ना, इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये वन इक्वल टू यहाँ भी 6000 है और यहाँ भी 6000, राइट भाई, एक पार्ट की वैल्यू 6000। अब आपसे क्या पूछा रहा है, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम, भाई साहब इनकी मंथली इनकम चार है, इनकी मंथली इनकम तीन है, तो चार और तीन कितना आएगा, टोटल सात आएगा, सात, एक लिपस्टिक 6000 रुपये की, तो सात सेवन लिपस्टिक, सेवन सिक्स 42000 का आएगा, और आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा। आई बात समझ में, और रुको ठहरो मेरे प्यारे बच्चे, रुक के चलो राइट। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, राइट है ना, इनकम का रेशियो मान लो कि 2:3 दे दिया, राइट है ना, एक्स रेशियो मान लो कि 5:6 मान लो कि 6 दे दिया, मान लो 12 मान लो 13 ठीक है, है ना, अरे ये भी सेम ही हो गया यार, ये सेम ही हो गया, सेम क्यों हो, सेम नहीं होना चाहिए ना, सेम नहीं होना चाहिए, राइट, सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, राइट। मान लो ये 8 हो गया, मान लो ये 6 हो गया, राइट, मान लो ये 2 हो गया और ये मान लो आपका 3 हो गया, तीन हो गया, राइट है ना। सेविंग बताता हूँ, ये बेचारा सेव कर रहा है आपका 2000 रुपीज़, ये सेव कर रहा है आपका 5000 रुपीज़। अब देखो ध्यान से देखना, इनकम 8000 है, एक्सपेंडिचर 2 है, सेविंग कितना है यहाँ पे इसका सेविंग 6 होगा और यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस 3 होगा, इक्वल नहीं है। जब आपका इक्वल नहीं हो तो ऐसे केसेस में आप ऐसे सम फंडा अपनाओगे, देखो कैसे अपनाओगे, देखो 8 3 = 24, 6 2 = 12, ध्यान से समझो, 3 2 = 6000, 5 2 = 10000, राइट, 12 और 24 का डिफरेंस 12, इसका और इसका डिफरेंस 4000, 12 की वैल्यू 4000, तो एक की वैल्यू कितना होगा 4000 by 12, राइट, 33666 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट, 366 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये बात समझें, एक की वैल्यू अगर ये आ गया, अगर इनकम पूछा जाएगा तो 18 × 3.6666, इसका पूछा जाएगा 6.3666, बात समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ आ रही, तनवर, ममता, रूबी, रुदल कुमार, राइट है ना, इस तरीके से आप चीज़ों को लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, राइट है ना। देखो इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये 5, इसका दिया मैं 3, राइट, 1 2, राइट, ये लीजिए, ये इसकी सेविंग है, हमें इन लोगों की इंडिविजुअल इनकम बताइए, आराम से बताइए, सभी लोग सेशंस को लाइक करें और शेयर करें मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, क्लियर।
क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत अच्छा रजत सिंह ने, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करें रजत को। देखो कितना सिंपल तरीका है, देखो 3 1 जा 3 5 2 जा 10 10 और 3 का डिफरेंस करोगे तो 7 14 2 जा 28 1 into 21 21,000 इसका और इसका डिफरेंस करोगे 7,000 तो 3 और 10 का डिफरेंस 7 और इसका 7,000 राइट। तो 7 पार्ट की वैल्यू 7,000, 1 पार्ट की वैल्यू 1,000 राइट है ना। तो 5 into 1,000 करोगे तो 5,000, 3 into 1,000 करोगे ये आपका 3,000। आई बात समझ में? आराम से समझो, आराम से राइट भाई साहब, आराम से समझो सर राइट ओके। अगर आपको मोनिका समझ में आ गया राइट है ना, सभी लोगों को, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SK S10। एक्स वैक्स नहीं मानना है ठीक है। मैं आपको आज तो चलिए मैं आज आपको देख रहा था राइट है ना, कल आपकी क्लास 1 बजे होगी राइट, फ्रॉम टुमारो योर क्लास विल बी एट 1 PM राइट। सो आई एम टेलिंग यू द पॉइंट ऑफ दैट माई डियर फ्रेंड्स, आप सभी को लाइव आना है राइट है ना। मैं वहाँ पे सभी सेक्शन से आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल सेक्शंस राइट, सभी सेक्शन से रहेंगे राइट, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखो ध्यान से कर सकते हो। देखो ए मैन हैज़ इन ऑल ₹640, एक मैन के पास जो है टोटल जो है ₹640 है। देखो ध्यान समझो, टोटल जो है ना ₹640 है राइट, इन द डेनोमिनेशन राइट, टुक रहे ऑफ ₹1, ₹1 का कुछ है, कुछ ₹5 का है एंड कुछ ₹10 के नोट है राइट। अब ऐसा समझो एक आदमी है ठीक है, उसके पास टोटल कितने ₹ हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ₹640 है, कितने ₹ हैं मेरे बच्चे? ₹640 हैं। लेकिन उसमें जो भी डेनोमिनेशन है, जितने भी उसके पास रुपये है, कुछ नोट तो ₹1 के हैं, सम नोट्स आर ₹5 एंड सम नोट्स आर ₹10 राइट। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, ये बोल सभी नोट्स क्या है? इक्वल है, इक्वल है, ये भी कमेंट सेक्शन ध्यान रखो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल कितने नंबर है नोट्स का है? सोचो, प्लीज थिंक अबाउट इट, सोचिए जरा राइट, आराम से सोचो, आराम से राइट। इस टाइप की चीज़ों की आपको प्रिपेयर करना चाहिए राइट, आपको इस टाइप की चीज़ों का आपका फोकस करना चाहिए, यही वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक कराएगा राइट। ओके सभी लोग, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना आज है ना, CSAT by संजय कुमार साहब, इसकी PDF चाहिए, CSAT by संजय कुमार साहब। सेशंस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।
अमृता झा, क्या आया आंसर? कुछ सोच पा रहे? ऐसा करो, देखो देखो ना, आप ऐसे सोचो ना, देखो सभी नोट्स इक्वल है। अच्छा टोटल कितने नोट्स है? टोटल 3 नोट्स है, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ के नोट्स है, राइट। टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपको बताना, राइट। तो 150 है, तो 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, कितना आएगा? 150 को 3 पार्ट्स में, ऐसे मैं आंसर आपको बताऊँ, आंसर जो है ना इसका, आई थिंक मैं चेक करता हूँ, बताओ तो क्या आंसर है? कमॉन कमॉन फास्ट, योर टाइम इज ओवर। बी श्रेया वर्मा कह रही है, बी मेहक भी कह रही है, बी रजत भी कह रही है, बी रूबी भी कह रही है, बी पूर्वा भी कह रही है, बी। अच्छा एक काम करते हैं, अगर 120 है तो भाई 40 मान लो कि 1 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 40 मान लो ये आपके 5 रुपीज़ के नोट्स हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके? 200। ये आपके 10 रुपीज़ के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 400। 400 प्लस 20 प्लस 40 कितने होंगे टोटल? और आपके एग्ज़ाम में क्या कहा गया है क्वेश्चंस में? 640 ही रुपीज़ हैं टोटल। बिल्कुल ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है ना? बी करेक्ट, सबको आ गई बात समझ में? आई होप मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ। आज के बाद आपको रेशन प्रपोर्शन आपको प्रैक्टिस कर देंगे। देखो डेली क्लास ऑन अन अकेडमी फ्री होती है सभी के लिए, फॉलो कर सकते हैं आप मुझे अन अकेडमी पे। न्यू बैच विल बी स्टार्ट ऑन क्लास स्टार्ट्स ऑन ज्वाइन यूजिंग कोड SKS10 विद टॉप। देखिए ध्यान से देखिए, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द, इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, इसको मत करो अभी, राइट है ना? इसको मत करो, राइट है ना? इसको भी मत करो, हाँ ये वाला क्वेश्चंस करो, इसको सोचो जरा। ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है टाइम एंड वर्क से, तो एक क्वेश्चंस आ ही सकता है टाइम एंड वर्क से, तो एक क्वेश्चंस आ सकता है। अनअकैडमी पर CSAT की क्लास 10 बजे होती है, रात को 10 बजे डेली आएगा, रात को 300-400 बच्चे लाइव होते हैं, राइट। टेलीग्राम के लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, CSAT बाई संजय कुमार सा, CSAT बाई संजय कुमार सा। मेरे प्यारे बच्चे, कल से आपके पास जो आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस वहाँ से भी रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपका एक और सेगमेंट है जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहाँ से भी रहेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी रहेंगे क्वेश्चंस, राइट, जनरल साइंस से भी रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज से भी रहेंगे, राइट। तो ये आप ध्यान रखना, कल सभी सेगमेंट से आपके पास क्वेश्चंस होगा, राइट, कल सभी सेगमेंट से आपके पास क्वेश्चंस रहेगा, राइट, एंड क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, यस हिंदी में भी रहेगा, ठीक है, हिंदी में भी रहेगा। देखो ए जो है अलॉन ए कम्प्लीट ऑफिस ऑफ वर्किंग, ए जो है ये अकेला जो है ये आपका 12 डेज में कर रहा है, ए एंड बी जो है ये अकेला जो है ये आपका 8 डेज में कर रहेगा, 8 डेज में करेगा, राइट। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, राइट, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आप एक बार सोचिए, आराम से सोचिए, आराम से, राइट, आराम से सोचिए।
आजान अकेडमी पे एक्सटेंशन ऑफर आ रहा है राइट हैंड, आराम से देखो इस टाइप के। मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर मान लो कि आपके पास मैथ्स में अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आएगा राइट है ना, तो एक तो आपका सिंगल टाइप का हो गया राइट, और यानी तो आप यूट्यूब पे सर्च भी करके देख लेंगे, इस टाइम मत देखना सर्च करके राइट, मत देखना। मैं यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, कल वाला सेशन हमारा और भी इंपॉर्टेंट होगा राइट, कल मैं ओवरऑल सभी से क्वेश्चंस मिला करके लेके आऊँगा, ओवरऑल सभी से राइट है ना। कल क्लास कितने बजे होगी सबको पता है, फ्रॉम टुमारो विल बी क्लास एट व्हाट टाइम, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहेंगे ओके, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहेंगे पता है ना। चलिए मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दूँ, कम ऑन टाइम ओवर टक। अब देखिए आप ध्यान से देखना। सबसे पहली बात 12 आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो ए जो है 12 दिनों में काम करता है, ए प्लस बी 8 दिनों में किसी भी काम को फिनिश करता है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे टोटल वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मान लिया कि टोटल वर्क इन दोनों को ये ए फोर आपके ए फोर कौन हो गया ऐश्वर्या राय, बी फोर बिपाशा बसु, इन दोनों को अब फिल्म में नहीं बन रही, मैंने कहा इन दोनों को भाई अब आप दोनों लिपस्टिक का काम करो, लिपस्टिक बनाओ, तो 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो लिपस्टिक कितना आएगा, एलसीएम टोटल 24 लिपस्टिक, कितनी लिपस्टिक आएंगी 24 लिपस्टिक, ध्यान से समझो ए को 24 लिपस्टिक बनाने में 12 दिनों का समय लगता है, इसका मतलब ये अकेला दो लिपस्टिक बनाएगा, एक दिन में दो लिपस्टिक बनाता होगा। सेम ए प्लस बी दोनों मिलके 24 लिपस्टिक को बनाने में 24 लिपस्टिक को बनाने में 8 डेज का वर्क लगता है, 8 डेज का टाइम लगता है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि ये 3 लिपस्टिक रोज बनाएगा पर डे। अब सुनो ध्यान से सुनो, ये ए फोर ऐश्वर्या, बी फोर भी ऐश्वर्या राय और बिपाशा बसु, ये एक दिन में कितनी लिपस्टिक बनाती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, 3 लिपस्टिक बनाती है ऐश्वर्या राय और बिपाशा बसु, 3 लिपस्टिक बनाती है एक दिन में, जिसमें अकेली ऐश्वर्या जो है ये 2 लिपस्टिक बना रही है, अकेली ऐश्वर्या 2 लिपस्टिक बना रही है। तो मुझे आप बताओ बिपाशा कितना लिपस्टिक बनाएगी, बिपाशा मुझे बताओ कितना लिपस्टिक बनाएगी। तनवर साक्षी सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दे राइट है ना, शेयर कर दे राइट, बताइए इज इट क्लियर, बिल्कुल सही बोला कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल सभी लोग सही बोला, एक 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 लाइट है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे अगर ये एक लिपस्टिक, ये बी अकेला एक लिपस्टिक बनाएगा, इसका मतलब 24 लिपस्टिक को बनाने में इसको 24 डेज का टाइम लगेगा, इसलिए इसका आंसर हमने ए मारा राइट, इसलिए इसका आंसर ए आया ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व, सेम क्वेश्चन, अच्छा ये वही क्वेश्चन है क्या 12 टू, यहाँ ये वही क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये वाला ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है परसेंटेज से, प्लीज़ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कम ऑन। कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी फिर से बता दूँ आप सभी को मेरे प्यारे बच्चे, कल वाला सेशन आप सभी के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से जो क्लासेस होंगी दोनों को मिला करके, कृष्णामणि त्रिपाठी ठीक है राइट, एक्सटेंशन ऑफर है अनअकैडमी पे राइट है ना। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री मिलता है, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ फ्री मिलता है, 2 साल का लेते हो तो आपको 3 साल फ्री मिलता है आराम से।
देखो मैं आप सभी को एक होमवर्क दूंगा, आज होमवर्क जो दूंगा वो करके रखोगे, वो करके ले आओगे क्या? एक जो मैं आपको होमवर्क दूंगा राइट, मुझे लगता है कि वहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राइट। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25% राइट, बाई हाउ मच परसेंट? देखो भाई प्राइस है, मान लो कि प्राइस अगर मान लो 100 रुपीज़ पहले रहा होगा, 25% इंक्रीज हो गया राइट ओल्ड प्राइस, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ये ध्यान रखो राइट। हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज डिक्रीज, कंजम्पशन की डिक्रीज राइट भाई साहब, कंजम्पशन डिक्रीज की बात करिए, सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, कुछ भी फर्क ना हो राइट। तो भाई पहले 100 था 125 कर दिया राइट, है ना, कंजम्पशन पे कुछ भी फर्क ना पड़े राइट, कितना अब डिक्रीज करेगा ताकि एक्सपेंडिचर पे कुछ भी फर्क ना पड़े राइट। तो 125 डिक्रीज करेगा किसको? 125 को डिक्रीज करेगा इनटू में आपका 100, 25 से करोगे तो आपका 20% आंसर। अगर मैं आप मेरे एसएसएम फंडा के अकॉर्डिंग करोगे राइट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधा, 25% इक्वल टू 1/4 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज, तो 1 का 1 होगा, 4 + 1 करोगे 5, इंटू में 100 करोगे तो ये आपका आएगा 20%। मुझे पता है आपको कम समझ में आया होगा राइट, मुझे पता है आपको कम समझ में आया होगा राइट, बट आपको फरफराने की कोई ज़रूरत नहीं है राइट, है ना, आपको फरफराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, देखो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका एग्ज़ाम है राइट राइट, कितने, देखो पहली बात मैं आपको बता दूँ सभी को, कल जो आपकी क्लास होगी ना, अभी देखो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ राइट, है ना, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, देख लेना आपको बहुत मज़ा आएगा। कल जो आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा एज ए टेस्ट प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में राइट, वहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे राइट, है ना, और जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल के होंगे, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के होंगे, सीसैट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के क्वेश्चंस होंगे राइट कल वाला। अगर मैं आप बता दूं, क्योंकि देखो भाई ये यूपीएफओ का जो एग्ज़ाम है कम्प्लीटली आपका यूपीएससी के पैटर्न पे होने वाला है राइट, तो अगर आपके पास टाइम हो राइट, तो मैथ्स में एक टॉपिक तो आप देख लेना परसेंटेज, और एक टॉपिक आप मेरा देख लेना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक देख लेना राइट। रीजनिंग में एक टॉपिक आप कोडिंग एंड डिकोडिंग देख लेना, और एक आप देख लेना ब्लड रिलेशन। कहाँ देखोगे आपको, कहाँ देखोगे मैं वो भी बता रहा हूँ, किसी के मन में कोई डाउट्स हैं? एडवांस क्लासेस मेरा सर ओके माइन, अभी फरफराओ नहीं, सेशंस को सभी लोग लाइक कर दो शेयर कर राइट। ये देखो दो ये टॉपिक है और ये दो टॉपिक ये है राइट, है ना, एक साल दो साल पहले का लेकर 2x के स्पीड पे देख लेना राइट, सर्च करना यूट्यूब पे परसेंटेज बाय संजय कुमार साहा अन अकेडमी, यानी तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाय संजय कुमार साह, कोडिंग एंड डिकोडिंग बाय संजय कुमार साह, ब्लड रिलेशन बाय संजय कुमार साह, ऐसे देख लेना, और कुछ भी क्वेरी हो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाना राइट। सीसैट बाय संजय कुमार साह, सीसैट बाय संजय कुमार साह, एनसीईआरटी की भी सीरीज में आप लोगों को लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था राइट, है ना, उसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है राइट, ओके। ये बात सबको समझ में आ रही, क्या क्या मैंने कौन कौन सा टॉपिक बताया एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताऊं, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग से अगर मान लो आपके पास मान लो अगर 15 भी क्वेश्चन आ जाए तो मान लो आप सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन जो आएगा उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा राइट, है ना, सी सैट के लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन सी सैट के लेवल से बहुत डाउन होगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 टॉपिक का देखो परसेंटेज से क्वेश्चंस रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चंस रहेगा, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चंस रहेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस रह सकता है, क्योंकि ईपीएफओ है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। देखो और कल से जो सेशंस को है ना, सभी लोग जो है ना लाइक करोगे शेयर करोगे राइट, है ना, सभी को बताओगे, कल से जो ये वाली जो क्लासेस होगी आपका इसी टाइम पे राइट, इसी टाइम पे नहीं 1 बजे क्लास होगी राइट, 1 PM क्लासेस होगी,
और एटलीस्ट आपके पास 30 क्वेश्चंस आएगा, 30-40 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस आपके मिक्स होंगे, इंग्लिश का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, जनरल साइंस का भी होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी होंगे, राइट, है ना, जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल का भी होगा, लेबर लॉ का भी होगा, मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया उसका भी क्वेश्चंस होगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ओके। तो सभी लोग इस सेशंस को एक बार शेयर कीजिएगा, जिसको भी जहाँ भी जो भी 2 जुलाई को जिसका भी एग्जाम है उसी के पर्सपेक्टिव में आपको सारी क्लासेस मिलेगी, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो सभी लोग सेशंस को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले दोस्त हैं आप उनको ज़रूर बताइए, राइट, सो दैट दे कैन ज्वाइन और दे कैन अटेंड दिस क्लास, राइट। इस सेशंस को ज़रूर ज्वाइन करें, इस सेशंस को ज़रूर देखें, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड और एक बात और बताना था मुझे, मैं भूल गया, आयन अकेडमी पे जो है आज लास्ट डे ऑफर, लास्ट डे ऑफर है, राइट, है ना, राइट, है ना, ऐसा कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा, राइट, है ना। अगर आप जो भी आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आयन अकेडमी में 4 मंथ आपको फ्री मिलेंगे, 18 मंथ पे 6 मंथ फ्री मिलेगा, 2 या 3 साल पे 3 मंथ फ्री होगा, बस आपको ज्वाइन करना है आयन अकेडमी पे किसी भी कोर्सेज के लिए बाई यूजिंग माई रेफरल कोड SKSTUDENT। किसी के कोई भी क्वेरी हो लोन के रिगार्डिंग, मंथली पे करके कोई दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो या टीम से बात कर सकते हो इस कोड के हेल्प से, ठीक है, यानी तो मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परसेंट, हाँ, तनबर से ये 2-3-4 टॉपिक आप देखिए।